आप लोग पहले इन दोनों में कौन बड़ा है ये बताइए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। क्यों फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना? संजय कुमार, उत्कर्ष यादव, स्मार्ट गैजेट्स, टॉप मीम्स, भाई ऐसे ऐसे नाम है मैं बोल नहीं सकता हूँ, सॉरी। ज्योति श्रीवास्तव, मोहित सिंह, सरताज, अक्षयदीप, जूही सिंह, समीर आर्या, मनु प्रजापति, अतुल तोमर, ललित सैनी, कल्पना जी, सभी का कमेंट मुझे आ रहा है, सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, इन दोनों में कौन बड़ा है बता लोगे? पक्का सब कुछ करवाएंगे, बस हमारे साथ आप बने रहिएगा, ईमानदारी से गद्दारी नहीं करिएगा। चलिए अब ये बताइए, 13/15, 20/15, इसमें कौन बड़ा है? अगर इसका नाम क्यू रख दें, इसका नाम पी, तो पिंकी और क्यू में कौन बड़ा है? जवाब दीजिए फटाफट। आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेली आपको पढ़ाऊंगा, 1-1 घंटे बिल्कुल फ्री पूरा मैथ पढ़ा दूंगा। एकदम पढ़ाता तो हूं ही नहीं, मैं सिखाता हूं, मैथ से मोहब्बत करवा देता हूं, है ना? लेकिन आपसे भी एक गुजारिश थी कि आप 100+ लाइव लाएंगे। उसके लिए सभी साथी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में क्लास का लिंक जरूर लगाएंगे, अपने ग्रुप में भेजेंगे कॉलेज कोचिंग स्कूल के। बोला था ना, अगर आप इसे कर रहे हैं ईमानदारी से दिल से पूछिए हाथ रख के, तब तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। तो भिन्न की कंपेयर करना हम सिखाएंगे अभी इसको। सबसे पहले अगर बात करें पीछे की क्लास में 4 नंबर में क्या पढ़ा था, भिन्नों का जोड़ना पढ़ रहे थे, और वो तब जब उनके हर बराबर हों। आप सभी ने सीख भी लिया था, है ना? अब क्या पढ़ेंगे, जब हर बराबर ना हो, यही टॉपिक चल रहा था, 5 नंबर क्लास है। ए भाई काहे को हिल रहा यार तू, भिन्न कैसे लिखेंगे इसको? फ्रैक्शन, ओके। जब हर बराबर ना हो, समझना है यहाँ पे। जैसे पहला 3/5 / 8/3, इनको कैसे जोड़ेंगे आप, कोई बताएगा? एनीवन? वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। आइए मैं कमेंट लूंगा सबका, लेकिन थोड़ा देर बाद। इनका सलूशन कैसे करते हैं, दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है मेरे भाई एलसीएम मेथड, एलसीएम विधि होता है। दूसरा होता है क्रॉस मल्टीपल, यानी तिरछा गुणा। हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। देखिए, जब नंबर छोटे होते हैं तब आप क्रॉस मल्टीपल आसानी से कर सकते हो, लेकिन जब नंबर बड़े हो जाते हैं तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तब थोड़ा मुश्किल होती है। समझ रहे हो ना? देखिए, 3 इसमें मल्टीपल करेंगे, 3 3 9, यानी 3 3 9, बीच में प्लस, 5 8 40, ये 5 3 15, इसको आप ऐड करोगे 49/15 आएगा। इसके आगे अभी हम आपको इसमें कुछ नहीं बता रहे हैं, जितना आ रहा है उतना लिख दीजिए। ये उचित भिन्न आया, अनुचित आया, क्या है कैसे है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये आपका हो गया, सब कुछ समझ में आ गया, तो एक बार यस बोल दीजिए फटाफट। कमेंट देखूंगा मैं 10-10 मिनट बाद। ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट विधि हो गई, अगर मैं इसको ए से लिख देता हूं, अब सेकंड विधि को हम बी से लिखेंगे, तो आप मुझे ये बताना कि ए और बी दोनों में से कौन सी विधि आपको ज्यादा पसंद आ रही है। आजकल तो पसंद आना बड़ी बात होती है ना, बाकी अच्छा लगे या फायदेमंद हो उससे कोई मतलब नहीं है, पसंद होना चाहिए। आइए देखिए, एक बार मैं पहले याद दिला दूं, जितनी भी नई माताएं जुड़ी हैं, नए पिता जुड़े हैं, और बहनें या भाई जुड़े हैं, ये बच्चों के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ। इसलिए अपने छोटे बच्चों को जो दूध पीने लायक है अभी, किच्ची किच्ची भर के, उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए फोन कॉल ना करें, ये हमारी विनती है, निवेदन है, ठीक है? ये हम पढ़ाते हैं सी टेट, सुपर टेट, सी सेट, एसएससी, या
यूपीएसआई यूपीपी कोई भी जो कंपटीशन का पढ़ रहे हैं उनको मैथ नहीं आती, शुरू से सीखना है, उनके उद्देश्य से पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, हमारे टीम के मेंबर परेशान हो जाते हैं, सर कक्षा 5 वाले बच्चे ट्यूशन पढ़ाएंगे, कक्षा 2 अलग पढ़ाएंगे, हो नहीं पाएगा। मैं पहले करता था, अब नहीं करता हूँ, ठीक है? तो समझिएगा, ये हो गया। तो ये बच्चों को नहीं, बच्चे वालों के लिए है। 3/5 धन 8/3। अब देखिए यहां पर कैसे होगा, समझिएगा थोड़ा सा। इसमें मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं। दूसरा मेथड कौन सा? क्रॉस मल्टीपल तो हो गया यहाँ पे, एलसीएम वाला। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 15। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। वैसे शायद आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो मैं अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट रुक के। हाँ, एलसीएम आता है कि नहीं? हाँ या नहीं बताओ। नहीं आता तो मैं अभी एलसीएम भी बता देता हूँ। देखिए सुनिए, जो एलसीएम आया ना उसको पकड़ लो पहले, प्यार से प्यार से इसको पकड़ के यहाँ लाके रखो कहीं साइड में। ये लाया, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है। पहली वाली फ्रैक्शन का जो नीचे नंबर है, नीचे वाला नंबर, इसको पकड़ के यहाँ लाके इसे भाग करिए। तो 5 3 15, जो यहाँ पर भागफल आया, मतलब जो फल प्राप्त हुआ इस क्रिया के दौरान, ये इसको पकड़ के इसके ऊपर वाले गिनती में गुणा करिए। यानी इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे, 9 आएगा। यही प्रक्रिया अगले बार भी करेंगे, ठीक है? यही प्रक्रिया अगले में भी करेंगे। एलसीएम में इससे भाग करेंगे 3 से। तो भैया 3 से भाग करोगे 15 में, जैसे 5 से किया है तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 का 8 में गुणा करोगे 40, जोड़ेंगे 49/5, इतना आएगा। देखिए दोनों में आंसर में कोई अंतर है? नहीं, 3 ही लाइन में दोनों लगा है। अब ईमानदारी से ये बताओ सभी कि अगर इसको ए बोले इसको बी, तो ए और बी में कौन सा तरीका आपको ज्यादा आसान लगा? कुछ तो लगा होगा, थोड़ा बहुत तो किसी तरफ में झुकाव होगा ज्यादा। शिवम कमेंट आपका आ रहा है, लेकिन बेटा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तुम्हारी लाइफ की कविता खराब हो जाने वाली है। परवीन कुमार, कल्पना निषाद, सौम्या, कल्पना जी ऊपर नंबर दिया है उस पर संपर्क करिएगा, ठीक है? सबका कमेंट आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, अब देर नहीं। चलिए ये हो गया, जब हर बराबर ना हो और 2 भिन्न दी गई हो, 2 फ्रैक्शन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका फुल कोर्स कम समय में आप पीबीआर स्टडी ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर वहां देख सकते हैं, 2-2 3-3 घंटे पढ़ सकते हैं, महीने भर में खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है तो आप एक बार पीबीआर स्टडी ऐप जरूर ट्राई करें, ठीक है भैया? भाइयों एंड बहनों, और मैं क्या कहूं। चलिए अब इसको बताइए, जैसे मैंने लिखा 7/5 + 2/9, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा? विवेक सरोज, और कोई एनीवन? आज आप लोग काफी मेहनत कर रहे हो बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप 100+ करोगे आज। चलो कितना आएगा ये? अगर आप 100+ कर दोगे तो मेरी तबीयत भले नहीं सही है, लेकिन एक नया जोश और जुनून आता है अंदर से कि मैं आपको पूरे घंटे पढ़ाऊंगा। 100+ रहेंगे तो कंटिन्यू। कितने लोग कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे? ठीक है, देखिए मैं बताता हूं फिर से इसको भी। पहले क्रॉस मल्टीपल, तो ऊपर वाली गिनती को पकड़ के इसके सीधे तिरछा में इसमें गुणा करते हैं। इतना गुणा करना तो तुम सबको आता है, 7 का 9 में करोगे, 7 9 जा, सही लिख रहा हूं ना, 63, 9 7 63 ना, तो ये आपका क्या हो गया? 63 ऐसे लिख दिया, बीच में प्लस, ये प्रक्रिया इधर भी होगा 10, नीचे का नीचे में होगा, बस इतना सा सिस्टम है यहाँ पे।
मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना शायद। सेवेंटी थ्री अपॉन 45 आएगा। क्यों भैया, सही है ना? ये 45 है, नीचे थोड़ा भीगा हुआ है इसलिए नहीं अच्छे आ रहा है, सूखता नहीं आजकल बरसात का टाइम है ना। सबको समझ में आ गया? आपको क्या लगता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्या? और एनीवन? नीलान सागर, वाई सब आ रही है, आप आगे भगाइए वीडियो, सभी कर लेंगे ईमानदारी से। तो एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, देखते हैं कौन आज इस में मतलब 100 लोगों को पीछे करके आगे बढ़ता है। जिंदगी में छोटी छोटी जीत बहुत बड़ी होती है। रास्ते में अगर कहीं हम साइकिल से भी जा रहे हैं ना, तो कार वाले को पीछे करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? भले वो जाम में क्यों ना फंस गया, वो बगल से निकल ले, लेकिन जीत तो होती है ना। आइए देखिए, इसका कितना आंसर आएगा? पहला ऑप्शन नीचे दिख रहा है, एनीवन कोई बताएगा? एबीसीडी। ऋतिक प्रजापति, पढ़ाई कर लो बाबू बस। सभी साथी सेशन को फटाफट लाइक करके जवाब दीजिए ईमानदारी से। देखिए, अगर आप हमारे साथ ईमानदारी करेंगे, मैंने ये कहा है कि आप 100+ लाइव रखेंगे, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं आपसे बस। आपको कुछ नहीं करना है यार, अपने जितने भी कॉलेज ग्रुप हो, कोचिंग ग्रुप होंगे, फ्रेंड ग्रुप होंगे, फैमिली ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जहां से फर्जी ज्ञान लेते हो, वहां पे ये अच्छी चीज भेजो, बस मैं इतना कह रहा हूँ। अब भाई आजादी महोत्सव में 30 GB फ्री डाटा के चक्कर में तुम फालतू कचरा भेज रहे थे। कोई त्योहार आता है तो भेजते रहते हैं लोग, है ना? अभी दिवाली आ जाएगी, दिवाली के अवसर पर अंबानी फ्री 2 किलो नमक दे रहे हैं, लो भेजो सबको, सब भेजेंगे सबको 1 किलो नमक के लिए। नमक नहीं मतलब डेटा के लिए, 1 GB डेटा। देखे हो ना, आता है ना मैसेज? अरे कम से कम उसकी जगह पे इसको भेजिए, 1 GB डेटा नहीं, एक मोबाइल ऑपरेटर कंपनी खड़ी कर सकता है वो सीख करके। बोलता बहुत जल्दी जल्दी हूँ ना आप लोग। अच्छा आप लोग क्या कह रहे हो भाई? ठीक है, बहुत अच्छे, 13/6 आएगा। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, क्या मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, मतलब स्पीड में, जैसे 2x की स्पीड में? ये अगर आपको लगता है तो आप हाँ लिख के कमेंट करें, नहीं लगता है तो ना। वैसे मैं यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखता हूँ तो मैं 2x में ही देखता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं। बताइए एच या एन, मैं सही बोल रहा हूँ अगर आपको लग रहा है तो यन, ओ सॉरी मतलब अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो यन लिखिए, यानी मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप हाँ। क्या कह रहे हो? मतलब मैं सही बोल रहा हूँ ना इसका मतलब? ठीक है तो सभी बताओ एक बार, ठीक है ना? ठीक है फिर तो बढ़िया है, फिर मेरे को क्या जाता है, जल्दी जल्दी से चले रहो भाई, इसका मतलब सबकी बुद्धि खुली है। नीलम जी आपको भी आवाज आने लगी? ठीक है, इसका फिर ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, और 3 × 2 = 6। कुछ लोग सोच रहे होंगे यही कब तक पढ़ाएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे कि यही सब होगा? बढ़ेंगे सिस्टम से। ये मेरे भाई तब होता है जब ये दो पद की भिन्न दी गई हो। अब हम आपको थोड़ा सा ईमानदारी से शॉर्टकट में पहले एलसीएम निकालना सिखा देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत होगी कि आप तो एलसीएम बताया ही नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा एलसीएम बता देता हूँ शॉर्टकट में डेमो, उसके बाद एलसीएम आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर में डिटेल में।
लिख रहे हो सभी ना, ईमानदारी से बताना, लिखिए जरूर, खाली हाथ बैठ के मत देखिए। हम कोई केसारी अक्षरा और सनी देओल और क्या बोलते हैं उन्हें, जो मुझे तो ज्यादा नाम भी नहीं याद है, वाली एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। लिखिए जरूर। हाँ, ABCD लिखने की आदत पड़ गई है। LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटे से छोटा गुणज, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो छोटा सा मैं आपको सिस्टम, मतलब सिस्टम से लेके चलूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले देखिए। तब जैसे 4 और 8 का LCM बताइए कितना है। 3 2 5 का LCM कितना आएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं जुगाड़ बताऊंगा, क्योंकि जुगाड़ से ही पूरा देश चल रहा है, ये आपको पता है ना। तो मैं पहले जुगाड़ बताऊंगा फिर नियम वाला बताऊंगा। जुगाड़ में ये है कि जब दी गई सभी संख्याएं आपस में अभाज्य हैं, जिन्हें सह अभाज्य बोलते हैं शायद ना, को प्राइम नंबर है, यानी जिनमें एक से अधिक कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब 1 को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, उन संख्याओं का एलसीएम सदैव उनका गुणनफल होता है, यानी इनका मल्टीपल कर लेंगे वही आंसर हो जाएगा। मीन्स 3 दूना 6 पंचे 30। बताइए ये जुगाड़ समझ में आया सबको कि नहीं? विवेक सरोज आया समझ में कुछ? प्रशांत वर्मा, कट्टर बरसाती मेढक आ गए हो, अच्छी बात है, बहुत सी मेढकी अभी परेशान थी, बढ़िया है तुम आ गए। चलो अब अगला, ये कितना आएगा इसका बताइए ईमानदारी से, कितना आएगा? ट्राई करके देखिए एक बार, सभी कर लोगे ना पक्का? ठीक है, इसको करके बताइएगा और आगे देखते जाइए, अभी देखते जाइए, जाइएगा मत कहीं अगर सीखना है तो। सीखना है तो यहीं आइयो, जाइयो ना कहीं। इसका भी एलसीएम इनका गुणनफल होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर। तो 5 7 35, या फिर ऐसे कर लो 7 3 21, 3 1 3 3 2 6, 35 यही है, कितना होगा? 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105। समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट नहीं? सभी साथी एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर मैं इसको बढ़ाता हूँ, चलिए जल्दी करिए। क्यों भैया अभी तक केवल इतने कम लाइक यार? क्यों भाई, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो यार? फटाफट लाइक कर दो एक बार, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए। ठीक है, शुभम मिश्रा कमेंट आपका आ रहा है बाबू, ठीक है। रौनक, रजनी कुमारी, शिवा, संगीता कुमारी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है बाबू, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी फटाफट सेशन को लाइक करिए एक बार, तो सबको मैं देख रहा हूँ, आगे मैं चल रहा हूँ, बस आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। स्वाति, क्लास ऑनलाइन देखना होगा। अब देखिए इनका मैं नियम बताता हूँ कैसे, एलसीएम थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं भिन्न में चलूंगा। देखिए साथी मेरे, सबसे पहले आप देखेंगे गुणनखंड विधि, ये चल बल रहा है कि नहीं यार? सब एकदम खराब हो चुका है ये सब, इनको सबको फेंकिए, अब चेन ईमानदारी से रखिए, फेंकिए मत। पहले गुणनखंड विधि, जैसे नंबर था 4 8, गुणनखंड करना आता है ना आप सबको? बताओ एक बार पक्का, सबको आता है गुणनखंड करना? पक्का आता है, ठीक है। ये मैंने 4 के गुणनखंड किए, ये मैंने 8 के गुणनखंड किए। मेरे भाई यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, एलसीएम सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है उसको लिखेंगे। दोनों में देखो ये भी है ये भी है, देखो अंकल आंटी भैया भाभी मिल रहे हैं ना सामने सामने, इनको लाके यहाँ रखिए, दोनों में से एक को, इनमें से भी एक को पकड़ लाइए। लास्ट में क्या करते हैं, सबका साथ सबका, आगे की लाइन मैं नहीं बोलूंगा, जो बचा रहता है लास्ट में उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है।
तो ये फाइनल में ये आंसर हो गया। ये तो मैं आपको रूल से बताया कि 4 और 8 का एलसीएम कैसे करेंगे। क्वेश्चन था 4 एंड 8 का एलसीएम। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा आप, वो क्या है कि एलसीएम वास्तव में है क्या। बिना गहराई में गए मुझे पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं मिलती कि मैं आपको पढ़ाया नहीं अच्छे से, तो मैं इसे आपको गहराई में जाके ही बताऊंगा। सोच तो रहा था मैं कि ऊपर ऊपर किनारे किनारे से निकाल दूं आपको, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा मुझसे। अभी एलसीएम आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में एलसीएम का यूज होता है तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए देखिए, इधर समझिए। देखिए जैसे मैंने कहा था कि 4 और 8 का एलसीएम ना, मतलब यहां समझना मैं गहराई से सिखा रहा हूं जिनको मैथ नहीं आती है। जिनको आती है उनसे राम राम दुआ सलाम हो जा सकते हैं, जिनको नहीं आती उनके लिए। अब देखिए एलसीएम लीस्ट कॉमन, पता नहीं कहां तक दिखेगा, उसके आगे जाएगा ठीक है, मल्टीपल जिसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, शायद मेरी हिंदी सही होगी, ऐसे ही बोलते हैं ना ठीक है। साथी मेरे यहां पर इसका मतलब समझिएगा, इसे गुणज भी बोलते हैं एक प्रकार से। क्या बोलते हैं? गुणज। मल्टीपल को हिंदी में गुणज भी बोलते हैं। पहले तो छोटी छोटी चीजें समझिए, कहते पहले नाम लेना सीखिए ठीक है, पहले नाम लेना सीखिए। अब आपको मार्केट से आलू खरीदना है, आलू बोल नहीं पा रहे हो तो जाके भालू बोलोगे तो आलू ने मतलब नहीं समझ पाएगा ना भालू कहाँ मिल रहा है हमारे यहाँ। तो पहले नाम लेना सीखिए। नाम लेने का मतलब इनसे पहले परिचय करिए। अगर आप किसी एक के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप किसी से कंपेयर करते हैं अपने आप को, या देखते नहीं घर में क्या होता है, पापा लोग अक्सर बोलते रहते हैं फलानवा का लड़कवा टॉप कर रहा है कॉलेज में, अत्तू ससुर बैठे बैठे गधा है, पढ़ता लिखता ना है, ऐसा सुनने को मिलता है ना बच्चों को। मम्मी भी बोलती रहती है देखा फलाने की बिटिया कितनी अच्छी है, कितनी सीधी सादी है। सुनिए पहले, ऐसा मैंने क्यों कहा, कंपेयर करते हैं तो हमें क्या होता है, लगता है कि हम गड़बड़ हैं वो अच्छा है। तो वैसे हम एलसीएम एचसीएफ के यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे देखिए ये हम बात कर रहे हैं अभी एलसीएम की, इसमें ये वर्ड आता है गुणज, जिसे आप मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में। एक चीज और समझिएगा यहाँ पर, अब आपको समझाना है तो डिटेल में चलना पड़ेगा। इधर साइड में आइए, देखिए एक दूसरे से चैन जुड़े हुए हैं। अब एलसीएम एचसीएफ के लिए आपको फैक्टर आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि गुणनखंड जो है मुझे नहीं आ रहा है, तो गुणनखंड भी इसमें बताना पड़ेगा। समझिए गुणनखंड जिसे इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं ठीक है भैया, इसे अपवर्तक भी बोलते हैं। ये एक का नाम है गुणनखंड, अपवर्तक, फैक्टर, इसको एक आठी और कौन नाम से बोलते हैं। जैसे होता नहीं कुछ लोगों का घर में कुछ और नाम रहता है, स्कूल का कुछ और नाम है, जैसे घर का नाम पूनम है, स्कूल का नाम अर्पिता है, और कोचिंग में अपना नाम मंजू रखाया है, और फ्रेंड लोगों को प्रिया बता रखा है, और रंग नंबर वालों को कुछ और बता रखा है तो एक के प्राणी ना, नाम कई है ना, समझ रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पर जो है एक चीज के कई नाम है, तो कहीं कहीं एग्जाम में या कहीं कहीं आपको मतलब ऐसा मिल जाता है क्या क्वेश्चन या उससे संबंधित चीजें, तो आप पहचाने नहीं पाते हो कौन है ये, तो ये चीज आप याद रखिए ठीक है। गुणनखंड, अपवर्तक, फैक्टर। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको इसका एक आध नाम और बता रहा हूँ जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हो सकता है कहीं मिल जाए। थोड़ा सा रुकना तो मैं इसका एक आध नाम आपको और देता हूँ। हाँ
हाँ एक इसमें था भाई, या इसमें था। अच्छा अपवर्त भी बोलते हैं इसको, गुड़ज ना, समझते जाना, इसको अपवर्त भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज यहां समझिएगा, मैं एलसीएम का मतलब नहीं बता रहा हूं, ये सब ये वर्ड अलग है जो साइड में लिखा हूं, इसका मतलब अलग है, वो एलसीएम की कहानी अलग है, उससे इसकी कंपेयर नहीं करिएगा, लेकिन इसका यूज इसमें होगा। पूरा क्लास देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, अभी बीच में भाग जाएंगे सब खिचड़ी है, रायता फैला हुआ, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए आप समझिए, जैसे मैंने संख्या लिया 12, ठीक है समझना, तो 12 किन किन संख्याओं से कंप्लीटली कट जाएगी, जैसे 1 से भाग करेंगे तो 12 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, बोलो ईमानदारी से। हाँ देखिए समझिए, कटने का मतलब क्या है कि शेषफल 0 आया भाग करने पर, जिसे मैथ की भाषा में काटना मारना नहीं बोलते हैं, मैथ की भाषा में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ये बोला जाता है। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही ना, ठीक है, जैसे मैंने 12 में भाग किया, मान लो मैंने 4 से, 0 शेषफल आया ना, 0 आया, यानी हम कह सकते हैं कि जो नंबर 12 है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, 0 शेषफल आ रहा है, बात पक्की ना। इसी तरह से आप इनमें जितने नंबर मैंने लिखा है भाग दे दे के देख लीजिए, अगर किसी को लग रहा है कि मैंने एक आध फालतू संख्या लिख लिया तो बताइए, इसको मार्क भगा दे उधर। ये भैया ये क्या थे, अपवर्तक हैं 12 के, ये 12 के गुणनखंड हैं, ये 12 के फैक्टर हैं, समझ में आया। अब इधर चलेंगे, पहले तो एलसीएम को अभी मारिए साइड में जाइए, एलसीएम इसके आगे का स्टेप है, मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको बता रहा हूँ, जो दिमाग लगाएंगे वो सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ परिस्थिति ऐसी हो रही कि मुझे बताना पड़ रहा है, बाकी मैं इतना डिटेल में इसमें नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैं ऊपर से शुरू किया था फिर नीचे को गया। इसी को मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में, समझिएगा, इसी नंबर का सेम नंबर काम करेंगे इधर, जैसे मैंने 12 लिखा ना, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तियाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये समझना ईमानदारी से, जो दिमाग और दिल दोनों यही लगाएगा उसी को समझ में आएगा, दिमाग यहाँ होगा दिल उसके पास होगा तो फिर नहीं आएगा, यही लगाना मतलब इधर है मेरी साइड में, मतलब हम में नहीं इसमें। अब देखिए 12 का अपवर्तक 4 है, लेकिन 12 का जो क्या अपवर्त गुणज या मल्टीपल वो 24 है, 36 है, 48 है, समझ में आया कि नहीं, जो कोशिश करेगा उसी को समझ में आएगा, मैं यही बताना चाहता था। तो जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम तो ये चीज आपके काम आएगा, जब आप एचसीएफ निकालोगे तो ये चीज समझ में आया, मतलब काम में आएगा, यूज में। एक बार समझ में आ गया तो यस बोल दीजिए सभी। अर्पिता, मोहित सिंह, अंबकेश, वेरी गुड, एक मिनट रुकिएगा मैं पानी लेके आता हूँ, गर्म करके मैंने रखा है आज एक बोतल पानी, आज मैं सुबह 2-3 बोतल पानी पिया हूँ गर्म गर्म कर करके। चाय तो पीते नहीं, गर्म पानी अच्छा रहता है। सबको समझ में आ गया ना, ईमानदारी से बताना, पक्का आ गया समझ में, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं, यानी अब बात बन सकती है यहाँ पे, तो आप मुझे ये बताओ। हाँ इसमें एक चीज अभी और बताना है, अपवर्तक जैसे कहते हैं ना, कुछ
राजनीति पार्टी ले लो आप राजनीतिक वाली, तो कुछ सपोर्टर होते हैं जो चुपके से जाके वोट दे आते हैं। हाँ भाई फलाने के दिए हैं, वो जान रहे हैं, उनका दिल जान रहा है। और अगर अगली पार्टी आ गई, हाँ भैया तो ही दे ठीक है। लेकिन कुछ कट्टर समर्थक होते हैं, जानते हो कि नहीं, वो कहता है ससुर हमारे द्वारे आवा था, हम तो फलाने सपोर्टर है, वो खुदे नहीं आएंगे उनके द्वारे, समझ रहे हो ना। तो वैसे इसमें ये अपवर्तक है, अभी इनके कट्टर अपवर्तक आपको दिखाएंगे, लेकिन उसको मैथ की भाषा में कट्टर अपवर्तक नहीं बोलते हैं, उसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये गुणनखंड है, अब अभाज्य वाला देखिए, कट्टर वाला। इसमें एक भी ले सकते हो, यानी कहने का ये तात्पर्य है कि इनका आपस में मल्टीपल किया जाए तो वो नंबर आ जाए जिसका फैक्टर किया गया है। दूसरी बात ये भी समझना है कि उनका मल्टीपल करने पर वो नंबर आ जाए, और हाँ जितने फैक्टर आए हैं वो बिल्कुल एकदम ईमानदार होना चाहिए, दूध के धुले होना चाहिए, इसका मतलब समझना है। यहाँ पर थोड़ा मेरी कहानी का मतलब तभी समझ पाओगे जब हमसे जुड़ोगे, वैसे तो आपको मेरा खोपड़ी देख के पगले लगेंगे। देखिए इसमें जितने भी नंबर हैं, जैसे दो है ना, बताओ ये भाज्य है क्या, भाज्य भाज्य है क्या, अभाज्य है, अभाज्य है ना ये। अब कहोगे यार ये तो भाज्य, भाज्य तो पढ़ाए नहीं हो, बहुत बड़ी कहानी, अभी आगे सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। वो संख्या सुन लीजिए वैसे, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, नहीं बताएंगे यहाँ पे, सब बता देंगे तो आप सब भूल जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, तो जिसके एक से अधिक गुणनखंड ना हो, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका जो है एक फैक्टर वन है, एक ये खुद है बस, यानी इसके अलावा कोई और दूसरा इसका गुणनखंड ना हो, वही क्या होता है, अभाज्य होता है। तो ये क्या है, अभाज्य। वैसे तीन भी क्या है, अभाज्य है, लेकिन इसमें देखो ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य। देखिए आपको एक अच्छा एग्जांपल इसको बताते हैं, भाज्य भाज्य का एक लाइन में गलत मतलब में मत निकालिएगा, केवल मैथ समझने के लिए निकालिएगा। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज में घटनाएं आती हैं, टीवी में आती हैं, एक तरफा प्यार में लड़के ने दे दी जान या लड़की ने दे दी जान, है ना, ऐसा होता है, आपने देखा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अभी हमारे प्रयागराज की एक ताजी घटना है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, लड़का और लड़की दोनों यमुना जी में कूद कर इस दुनिया से जाने के लिए डिसाइड किए, और लड़की कूद गई, लड़कवा कूदा ही नहीं, और वो तैर के निकल के आई, उसको जा करके कोतवाली में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे साथ कूदा नहीं है, बताइए कोई बात हुई। ये सच्ची घटना है, आप सर्च कर लीजिएगा, नैनी का बात है यहीं इलाहाबाद का, अभी 2-3 महीना हुआ होगा। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ समझिए, देखिए जिस प्रेम कहानी में केवल दो लोग होते हैं, एक लड़की एक लड़का, वो क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं, समझ रहे हो ना। और जिसमें दो से अधिक ज्यादा शामिल होते हैं, कहीं कहीं होते हैं दो से ज्यादा शामिल होते हैं, किसी का पर सही दे रहता है, किसी चुपके चुपके रहता है ना, तो वो क्या होते हैं, वो फिर भाज्य हो जाते हैं, बस इतना आप समझ लीजिए। तो यानी जिसमें केवल वो संख्या खुद और वन केवल दो गुणनखंड हो वो अभाज्य होता है, और जिसमें वो संख्या भी हो और वन भी हो और भी कोई हो तीसरा, समझ में आया ना, और भी कोई तीसरा हो वो क्या होता है, फिर भाज्य हो जाता है। अब इतना आप समझ लेंगे तो अच्छी बात है, अगर फिर भी ना समझेंगे तो बात ही अलग है। हाँ तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, मतलब एक प्रकार से देश समाज में प्रचलित है, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस स्टोरी में केवल दो शामिल होते हैं उसमें अक्सर ऐसी कोई नौबत आती ही नहीं है, लेकिन आजकल लोग इतने चालाक होते हैं, इतने शातिर होते हैं कि मतलब भगवान से भी विश्वास उठ जाए, समझ रहे हो। तो इसमें जितने भी गुणनखंड है सभी अभाज्य हैं, इसमें जितने भी हैं इसमें भाज्य अभाज्य दोनों शामिल हैं। समझ में आया ना, इसमें भाज्य अभाज्य दोनों होते हैं। अरे वो जो कुछ लोग जान प्यारी वाली बात बता रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो कोई कूदा तो तैर के निकला कैसे, ये बताओ।
ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन हाँ, कहते हैं ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली कसमें होती हैं। तो देखा होगा कि अरे वो तो आया ही नहीं, गजब धोखेबाज निकला, लास्ट पॉइंट पे भी धोखा दे दिया। चलिए छोड़िए वो सब बात, फिलहाल साइड करिए, आप ये समझ गए ना यार? ये तो फिर आप लोग एलसीएम एससीएम पूरा डिटेल में समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं? अच्छा ठीक है, एक और बताइए। जैसे मैंने नंबर लिया 1-24, 24 के आप लोग फैक्टर बताइए, कितने कितने इसके कौन कौन फैक्टर हो सकते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? गुणनखंड, देखिए जिस जिस संख्या से पूरी तरह से कट जाए, अगर सिर्फ गुणनखंड की बात कर रहे हैं तब, अगर अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं तब फिर ऐसा नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 6, और क्या होगा 6 के बाद? अरे चल थोड़ा कम रहा है भाई, 6। हमें लगता है इतने होंगे ना, लेकिन अगर इसके हम गुणज की बात करें इधर अपवर्त की, तो क्या क्या होगा? कोई बताएगा 24 के अपवर्त क्या क्या होंगे? एनीवन, कोई बता सकता है? काजल, भारती, मोहित सिंह, लेट्स डू समथिंग, समझ में आ रहा है कुछ? शिवा, चंदा ब्लॉग, भैया इसको सीधा सीधा निकालने के लिए ऐसे करते हैं, 24 को 1 से गुणा करो, 24 आया ना, ये हो गया, फिर 2 से गुणा करो, 48 आया ना, ये हो गया, फिर 3 से गुणा करो, ऐसे बनता जाता है, समझ में आया ना? तो आप समझ गए होंगे आज गुणज क्या है, अपवर्त क्या है, मल्टीपल क्या है, मतलब ये तीनों एक के प्राणिक नाम है। हाँ, इधर गुणनखंड क्या है, फैक्टर क्या है, अपवर्तक क्या है, अंतर समझ गए ना? अगर अंतर समझ गए तो आप एलसीएम एचसीएफ चुटकी भर में निकाल लोगे, वो भी मैं बता देता हूं बिना किसी फुल स्टॉप पर पहुंचा, ऐसे बंद नहीं करने वाला हूं, सुन लीजिए। अब देखिए, ये बरसात के टाइम में इसको सुखाना बड़ा मुश्किल है, डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी आपका आ रहा है, कोई मुझे बैंक वाले पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ी मुसीबत ये है यार, काफी मैं पीछे पड़ा हूँ एकदम, जब तक दे नहीं देंगे, जैसे देते हैं वैसे आपका बोर्ड आ जाएगा तुरंत, फटाफट आने वाला है। अपनी वही हाल है ना आजकल, चाहे जितने लोग चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप कहते हैं ना, आपने देखा वो कपिल शर्मा कॉमेडी जिसमें वो कहता है कि शादी वाले आते हैं देखने, जबकि इतना बड़ा शो करते हैं वो, कितना करोड़ों कमाते हैं, लेकिन वो बात नहीं है, शादी वाले आते कहते हैं घर वाले क्या करता है, कॉमेडी करता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करता है, मतलब इतना बड़ा काम को कोई काम ही नहीं समझता है, तो वही हाल हमारे लोगों का है। मतलब पढ़ाते हैं, 4 लाख बच्चे हैं, 4-6 लोग साथ में वर्क करते हैं, लेकिन ये कोई काम नहीं, वैसे क्या करता है, ये तो मान लो मजे के लिए करता है, और जबकि आधी जिंदगी इसी में कट गई। आइए, सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। जैसे मैंने नंबर ले लिया 2 और 4, मैं बहुत शुरू से ही सिखाऊंगा आपको एलसीएम करने के लिए। क्या करेंगे एलसीएम करने के लिए? दी गई जो संख्याएं हैं ना, उनका एक प्रकार से गुणज निकालते हैं, समझ रहे हो? एलसीएम का मतलब यह होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा गुणज जो इन दोनों से कट जाए, बस यही मतलब होता है। बताइए,
ऐसी संख्या जो इन दोनों से भाग करने पर कट जाए वही एलसीएम होगी, लेकिन छोटी से छोटी होनी चाहिए। देखिए, जैसे अगर मैंने 4 ले लिया तो 4 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो भैया 8 भी तो हो सकता है, ऐसा 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, बोलो हो सकता है ना। लेकिन इसका नाम ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा गुणज, इफली एलसीएम ये होगा, 4 आंसर ही हो गया, ये उत्तर है, बाकी सब बिना मतलब के। समझ में आया ना? हाँ, डिजिटल बोर्ड वाला सब कुछ हो गया, बस सिर्फ उनको पैसा दे के लाना है, बस सब सेटलमेंट हो गया है। अब एचडीएफसी वाले रोक रखे हैं, बस कह रहे हैं अभी हम आपको समझ रहे हैं कि आप दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे। आइए देखिए, ये हो गया, हाँ ये हो गया। आप समझिए, इनका अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या होता भैया, वो छोटी से छोटी गिनती जिससे ये दोनों कट जाएं। इसमें देखो उल्टा था, इसमें इन दोनों से ये कटनी चाहिए थी, मतलब इसमें तीर नीचे को आ रही थी इधर को, कि मतलब इन दोनों से इधर कोई संख्या कटनी चाहिए थी, इसमें उल्टा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों कट जाए, बताइए वो कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों कट जाएगा, ईमानदारी से बताइए। तो भैया हो दोनों कट जाए बड़ी से बड़ी, देखो देखो, तो 2 से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा 4, लेकिन 4 से 2 नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं सिर्फ 2, ओनली 2, क्योंकि 2 से आप भाग करोगे तो 2 भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 4 भी विभाजित हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया, नंबर सेम है ना। मैं आपको केवल अंतर सिखाना चाहता था, बाकी नियम तो आप हर जगह सीख जाएंगे, लेकिन आप उसका वास्तव में मतलब समझिए क्या होता है। अब आप एलसीएम का बेसिक लगभग सीख चुके हैं, अगली क्लास में आपको भिन्न का चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। 2 पद वाला भिन्न बता चुका हूं, 3, 4, 5 वाला जो बड़ी बड़ी भिन्न है उन सबको, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, लंगड़ी भिन्न, लूली भिन्न, सब पढ़ा दिया जाएगा। देखिए लोगों का इंटरेस्ट ना धीरे धीरे कम होने लगता है, लोग ठंडा हो जाते हैं थोड़ी देर में, अभी 110 से 80 आ गए हैं, तो मेरा भी इधर से ठंडा होने लगता है ना कि आप लोग भाग गए, समझ रहे हो ना। जैसे स्कूल में 100 बच्चे हैं, अगर लंच में भाग जा रहे हैं 10 ठी में से 20 ठी, तो जो बचते हैं उनका मन नहीं लगता है, जब बच्चों का मन नहीं लगता है तो टीचर का कैसे लगेगा।